अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मैंने बनाया है बेबी को उड़ाने के लिए, जिसे देसी लैंग्वेज में दुलाए भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 डिज़ाइंस ऑफ दुलाए दिखाए हैं, 2 के स्टेप्स भी दिखाए हैं और थर्ड ओनली पिक्चर, उसके भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले वाइट वाले दुलाए से। तो सबसे पहले मैंने इस पर डिज़ाइन किया है, उसके बाद मैं पेंट करूँगी। ये मैंने वाइट क्लॉथ को 4 फोल्ड किया है और फिर एक साइड में ये डिज़ाइन बना रही हूँ, और फिर मैं कार्बन की हेल्प से चारों साइड इसे ट्रेस कर लूँगी और फिर बीच में एक डिज़ाइन खुद से बना लूँगी। यू कैन सी, मैंने और भी वीडियोज़ में बताया है कि जैसे मैं नीचे ट्रेस करना है जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो मैं कार्बन को किस तरह से रखूँगी और फिर उस पर डिज़ाइन बनाऊँगी तो नीचे भी ट्रेस हो जाएगा। इसी तरह से हम चारों साइड में डिज़ाइन को ट्रेस कर लेंगे। तो हमने चारों साइड डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया है और कपड़े को खोल लिया है, और फिर हमने नीचे कार्बन रखा है। हमने 2 फोल्ड अभी भी हमारा क्लॉथ, हमने पूरा कपड़ा नहीं खोला है, और जो 2 डिज़ाइन हमारा ट्रेस हुआ है उसके बीच में हम दोनों को जॉइंट करके हमने एक फ्लावर बनाया है, जिससे हमारा जो डिज़ाइन है उसके बीच में थोड़ा भी गैप ना रहे। तो ये हमारे चारों साइड का डिज़ाइन हो चुका है रेडी, और ये मैं आपको पूरा कपड़ा खोल के दिखा रही हूँ। और ये जो सेंटर है बिल्कुल इसका, वहाँ पे हमने एक राउंड सा एक आइडिया ले लिया है कि वहाँ पे हमने कितना बड़ा फ्लावर बनाना है, तो वहाँ पे बस एक फ्लावर बना लेंगे और कुछ लीव्स बना लेंगे। ये देखिए, हमने 4 फोल्ड किया फिर से, तो ये जो हमारा फ्लावर है उसका 1/4 पार्ट दिख रहा है, मतलब वो बिल्कुल सेंटर में है। और हम जो लीफ बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं अभी देख लें। ये हमने एक बीच में लीफ बनाया है और हाफ हाफ दोनों साइड बनाएंगे। इक्वल डिस्टेंस रखते हुए बीच में छोटे छोटे बर्ड्स डाल देंगे। फिर से हम कार्बन को नीचे रखेंगे और जैसे हमने डिज़ाइन को ट्रेस किया था चारों साइड, वैसे ही इसको भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल बनेगा। तो अब हमारा डिज़ाइन हो चुका है रेडी, और अब हम आते हैं पेंटिंग पे। तो पेंटिंग को बनाने के लिए हमने रेड कलर इस तरह से फिल किया है, और 1 स्ट्रोक फ्लावर ऑलरेडी बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे अपलोडेड, तो मैंने पूरे स्टेप्स नहीं बताए हैं, बट ये डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं दूसरे वाले क्लॉथ पे। तो ये वाला भी मैंने कुछ जैसा उसमें डिज़ाइन किया था,
वैसे इसमें भी डिज़ाइन कर रही हूँ, बट इसका पैटर्न कुछ अलग है, वो आप देख लें। इसका भी डिज़ाइन हो चुका है, अब इसके पेंटिंग पे आते हैं। तो मैंने इसके कुछ स्टेप्स ही दिखाए हैं, ये फ्लावर मैं फिर दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। इसमें मैंने ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं इसके स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख लें। और कुछ फिनिशिंग्स जो मैंने ग्रीन कलर से दिए हैं वो आप देख लें। तो वो ये वाला धुलाई कुछ ऐसा दिखता है। और मैंने एक और जो बनाया था जिसके मैं स्टेप्स नहीं अपलोड की हूँ, ये वाला है। और आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।